नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल। आप देख रहे हैं मनासा क्षेत्र का प्रथम न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए आज की खास खबरें। गरोट में दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष, सहयोगी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गरोट उत्सव चतुर्वेदी ने दुष्कर्म व अपहरण के एक मामले में मुख्य आरोपी को 10 वर्ष व उसके सहयोगी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रमेश गामड़ ने बताया कि दिनांक 29 सितंबर 2017 को फरियादी ने चंदवासा चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात में हम घर पर सो रहे थे, सुबह उठकर देखा तो मेरी 17 वर्षीय छोटी बहन नहीं दिखी। आसपास तलाश करने पर भी नहीं मिली। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया। उसने बताया कि मुझे 23 वर्षीय बलराम पुत्र हीरालाल सूर्यवंशी निवासी असावती व 27 वर्षीय बबलू उर्फ अशोक बलई पुत्र कालूराम बलई निवासी असावती बहला फुसला कर व डरा धमका कर ले गए थे। आरोपी बलराम ने मेरे साथ खोटा काम किया। शामगढ़ पुलिस ने मामले की जांच कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उभय पक्षों को श्रवण करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी बलराम को भात्सम की धारा 366 के तहत 5 वर्ष, भात्सम की धारा 376 दो ढ के तहत 10 वर्ष व धारा 344 के तहत 1 वर्ष के कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपित बबलू उर्फ अशोक को भात्सम की धारा 366 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹2,000 जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाला धराया। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले जावरा के कांग्रेस सेवादल नेता को पकड़ा है। हालांकि अभी पुलिस किसी गिरफ्तारी से इनकार कर रही है। मामले में अभी तक 3 लोगों ने के ठगने की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच होने पर यह संख्या और भी बढ़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार जावरा का कांग्रेस सेवादल नेता युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ले लेता है और उनको नौकरी भी नहीं दिलाता है व रुपए भी वापस नहीं करता है। मंदसौर के 3 युवकों ने भी उसे नौकरी के नाम पर रुपए दे दिए थे पर नौकरी नहीं लगी तो अब पुलिस में शिकायत की है। इस पर पुलिस ने आरोपी को जावरा से पकड़ लिया है। हालांकि अभी TI अमित सोनी का कहना है कि युवकों ने शिकायत तो की है पर अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खबरें निशुल्क देखने व पढ़ने के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक।